What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 23 जून 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:30 हो रहे हैं। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 22 जून आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,300। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ओपन हुआ और ये तेजी के साथ सेकेंड टारगेट के पास बढ़ा और यहाँ पर एक इसने रेजिस्टेंस फेस करके, जहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल का 50% का लेवल आ रहा था जो हमने कल के वीडियो में देखा था, उसी के आसपास इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया और टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ आया और ब्रेकआउट लेवल के नीचे जस्ट ये 50 EMA का ब्लू लाइन ट्रेंड कर रहा था। तो इसका इसने सपोर्ट टेस्ट करके जैसे ही यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ है तो फर्स्ट टारगेट 10,320 यहाँ पर ये अचीव किया था। काफ़ी देर इस लेवल को ये पेनेट्रेट कर रहा था और इसको ब्रेक करने के बाद सेकेंड टारगेट 10,356 ये भी अचीव हुआ। काफ़ी देर इस सेकेंड टारगेट का लेवल था, इसी के पास भी इसने काफ़ी देर यहाँ पर ये पेनेट्रेट कर रहा था, तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए। और एक फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पर कल एक डबल टॉप फॉर्मेशन यहाँ पर बन चुका है, जहाँ पर इसने डे का हाई लगाया था उसी लेवल के पास इसने दूसरी बार रेजिस्टेंस फेस किया और फिर ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव दिखाया। हालांकि ये जो नेक लाइन बन रहा था यहाँ पर इसने फिर से एक बार सपोर्ट टेस्ट किया, तो ये नेक लाइन अभी काफ़ी ज़रूरी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल जाता है तो निफ्टी इंडेक्स और टूवर्ड्स साउथ की तरफ ये मूव दिखा सकता है। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 24 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते। कल अमेरिकी बाजार फिर से एक बार हरे निशान में बंद हुए, वहाँ पर इकोनॉमी की रीओपनिंग शुरू हो रही है तो वहाँ पर ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है। नास्डैक करीब 110 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स देखे तो वहाँ पर लाल निशान में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया, कमजोर दिखे यूरोपियन मार्केट्स। एशियाई बाजार आज देखे तो SGX निफ्टी हल्की सी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, जापानीज इंडेक्स 184 पॉइंट्स की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल अभी डाउ फ्यूचर देखे तो हल्की सी ये भी बढ़त दिख रहा है, लेकिन मिला जुला कारोबार इस समय एशियाई बाजारों में देखने को मिल रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करेंगे। ये डेली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का और ये है कल का कैंडल जो कि एक डोजी जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न है। डोजी जब भी आता है तो एक ट्रेंड रिवर्सल का एक चांस होता है, सिग्नल होता है, कंफर्मेशन नहीं होता। कंफर्मेशन जब आएगा तब इसका लो या फिर हाई ब्रेक करेगा और आर्ली चार्ट बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट में इसके हाई या फिर लो के नीचे ये सस्टेन करेगा, हाई के ऊपर या फिर लो के नीचे सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट ट्रेंड का कंफर्मेशन मिलेगा, या फिर ये अपसाइड कंटिन्यूएशन होते हुए दिखेगा या फिर यहाँ से ट्रेंड रिवर्स फिर से देखने को मिल सकता है। तो इस डोजी कैंडल के लो के नीचे अगर सस्टेन करने लगता है, जो नेक लाइन हमने देखा पिक्चर में वो इस लो के नीचे है, तो अगर कंफर्टेबली इसको ब्रेक करता है तो फिर से एक बार ये टूवर्ड साउथ की तरफ हमें मूव देखने को मिल सकता है। और अदरवाइज 10,125 के पास ये सपोर्ट ले या फिर ये जो 100 EMA है इसको सपोर्ट टेस्ट करके फिर से बाउंस बैक देगा, क्योंकि प्राइस एक्शन का जो पैटर्न होता है वो ऐसे इस तरह से चलता है, हायर हाई हायर लोज बना के ये चलता है। तो फिर से एक बार कहाँ पर ये सपोर्ट टेस्ट करने आ सकता है, आर्ली चार्ट में एक बार एनालिसिस करते हैं। आर्ली चार्ट में अगर हम RSI वर्सेस प्राइस एक्शन को देखें, अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ, ऊपर प्राइस एक्शन है और नीचे RSI, तो आप देख सकते हैं अभी लास्ट ये जो हायर हाइज बने हैं प्राइस एक्शन में, तभी RSI में लोअर हाइज बने, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस है। ये सिग्नल है, कंफर्मेशन नहीं है। नेगेटिव डाइवर्जेंस आने के बाद प्राइस नीचे ही आएगा, ये प्रोबेबिलिटी है। 80-90% टाइम्स ऐसा होता है कि ऐसा डाइवर्जन दिखने के बाद ये निफ्टी इंडेक्स यहाँ पर और भी टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है निगेटिव डाइवर्जेंस के बाद। तो यहाँ पर ये एक निगेटिव पॉइंट है जो हमने टेक्निकल एनालिसिस में पॉइंट आउट किया। तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप देखें ये आर्ली चार्ट है कल का, ये
तो यहाँ पर ये जो कैंडल्स बने हैं ना ही हायर हाईज बन रहे हैं ना ही लोअर लोज बन रहे हैं, एक रेंज में यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। यानी डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था डेली चार्ट में, तो क्लियरली यहाँ पर अगर ये इस लेवल को यानी कल का ये जो लो था इसके तुरंत नीचे S1 का पिवट पॉइंट का लेवल आ रहा है, तो इसको कम्प्लीटली ब्रेक होने दीजिए। यानी 10,260 के नीचे अगर चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर 10,232, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा ये 20 EMA का, ये जो पिंक लाइन आप देख रहे हैं ये S2 के लेवल के पास आ रहा है अभी, तो 10,211 ये हमारा सेकेंड टारगेट हो सकता है। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर बढ़ता है तो कल का जो हाई है यानी अराउंड 10,391 के ऊपर इसे हम मार्क कर देते हैं एज अ ब्रेकआउट लेवल। इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, ये होगा हमारा ब्रेकआउट लेवल। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,416, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा 10,441, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, 5paisa है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।